आइए जानते हैं एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में जिसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया। 24 नवंबर 1971 को एक जेंटलमैन ब्लैक सूटकेस हाथ में लेकर आता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है, जिसके बाद ये पोर्टलैंड से सिएटल वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट में बैठता है और प्लेन में जब एयर होस्टेस ड्रिंक लाती है तो ये उसे एक लेटर देता है जिस पर लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और चुपचाप मेरे साइड में आकर बैठ जाओ। और फिर एयर होस्टेस को सूटकेस में बॉम्ब दिखाता है और $200,000 आज के तकरीबन 11 करोड़ रुपीस और 4 पैराशूट की डिमांड करता है। पास ही के एक एयरपोर्ट पर लैंड करके कूपर की डिमांड्स पूरी की जाती हैं, जिसके बाद ये बाकी पैसेंजर्स को जाने देता है और प्लेन को दोबारा से उड़ाने को कहता है। और उड़ान के 5 मिनट बाद ये पैसे, पैराशूट और बॉम्ब को साथ लेकर प्लेन से कूद जाता है, जिसके बाद इसका कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। 40 साल तक FBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता नहीं चल सका कि वो कौन था, कहां से आया था, जिंदा भी है या मर गया।